लेकिन एक खुदगर्ज दुनिया में कोई पराई आग में क्यों जलना चाहेगा? जिस दुनिया में लोग बस अपने स्वार्थ की पड़ी है, वहाँ कोई दूसरों के लिए क्यों कष्ट उठाना चाहेगा? उन दिनों उर्दू शायरी के लेखक आमतौर पर एक उपनाम या तखल्लुस अपनाते थे, सूडोनेम जिसे हम कहते हैं, और उन्होंने जावेद का मतलब अनंत या अमर या हमेशा के लिए रहने वाला, और अनवर का अर्थ है चमक, रोशनी या प्रबुद्ध नाम तय किया। किसने? मनोहर लाल खन्ना ने। एक पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अभी वहीं रहते हो? उत्तर दिया, चले मत आना, मैंने वो घर बदल दिया है। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के उपासक, वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। हिंदी फिल्मों के गीत फिल्म की पटकथा का एक अभिन्न और एकाकीकृत हिस्सा रहे हैं। ये न केवल एक संगीतमय हिंदी फिल्म में मौजूद हैं, बल्कि कॉमेडी और रोमांस से लेकर अपराध, थ्रिलर और डरावनी फिल्मों तक हर शैली की फिल्मों में एक कथा उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। गीतों के बोल का उपयोग डायलॉग्स और सीन की तुलना में कैरेक्टर के मूड को बेहतर बनाने का एक तरीका है, जो अधिक संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है। हालांकि यह किसी अन्य संस्कृति के दर्शक को अवास्तविक लग सकता है, यानी जो हिंदुस्तान के बाहर के लोग हैं उनको अजीब सा लगता है इन गीतों के बारे में, लेकिन पारंपरिक हिंदी फिल्म दर्शकों के लिए गाने कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय सिनेमा की जड़ों में कहानी कहने की परंपरा प्राचीन भारतीय लोक रंगमंच जिसे नौटंकी कहा जाता है तब से जुड़ी है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छुपे हुए अध्यात्म को। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से लिख राइटर्स और पोएट्स के महत्व को, उनकी इम्पोर्टेंस को भी लोगों के सामने लाने की हमारी एक अदना कोशिश है, क्योंकि जब प्रसिद्धि और पहचान की बात आती है ना, तो गीतकार बेचारे सबसे निचले पायदान पर होते हैं। एक हिट बॉलीवुड नंबर सितारों और गायकों के लिए अद्भुत काम कर सकता है, लेकिन गीतकार पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और संगीत के दिग्गजों का कहना है कि ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि युवा पीढ़ी के लोग गीत के मूल्य को नहीं समझते, यहाँ तक कि समीर और राहत इंदौरी जैसे अच्छे गीतकारों को भी उस स्तर की प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। जावेद अख्तर और गुलजार के अलावा गीतकारों को दर्शकों के साथ दृश्य रूप से जुड़ने का मौका नहीं मिला है, उन्हें अधिक मीडिया स्पेस देनी होगी, क्योंकि वे प्रत्येक गीत के जन्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जिस फिल्म के गीत पर चर्चा होगी उसके गीतकार हैं मनोहर लाल खन्ना, जो 30 के दशक में 1930 में ग्वालियर राज्य के जल कार्य विभाग में ग्वालियर के महाराजा के लिए काम करते थे। उन्हें संगीत का शौक था और वे कविता लिखते थे। उनकी पुत्री उषा खन्ना उनके गाने गाती थी और उनके लिए धुनें तैयार करती थी। उषा खन्ना कोई प्रशिक्षित संगीतकार नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त थी, यानी गॉड गिवन। मनोहर लाल खन्ना को हमेशा फिल्मों से आकर्षण रहा और 1946 में वे मुंबई चले गए। यहाँ संयोग से उनकी मुलाकात जद्दन बाई से हुई, जो हिंदी फिल्म अभिनेत्री उस दौर की नरगिस मशहूर अभिनेत्री उनकी माँ थी। ग्वालियर राज में उन्हें 250 रुपये मासिक वेतन मिलता था और जद्दन बाई ने उन्हें 500 रुपये देने की पेशकश की। जद्दन बाई की नरगिस आर्ट प्रोडक्शन की फिल्म रोमियो जूलियट के लिए लिखी 3 गजलों के लिए मनोहर लाल खन्ना को 800 रुपये मिले। साथ ही जद्दन बाई के अनुरोध पर उन्होंने अपना छद्म नाम या सूडोनेम जावेद अनवर रख लिया और हिंदी फिल्मों के लिए गजल लिखना शुरू कर दिया। उन दिनों उर्दू शायरी के लेखक आमतौर पर एक उपनाम या तखल्लुस अपनाते थे, सूडोनेम जिसे हम कहते हैं, और उन्होंने जावेद का मतलब अनंत या अमर या हमेशा के लिए रहने वाला, और अनवर का अर्थ है चमक, रोशनी या प्रबुद्ध नाम तय किया। किसने? मनोहर लाल खन्ना ने। एक अन्य उर्दू कवि जसवंत राय शर्मा ने भी उस दौर में उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के कारण अपना नाम बदलकर नक्श लायलपुरी रख लिया। याद आया ना आपको नाम? इसके अलावा मनोहर लाल खन्ना और जसवंत राय शर्मा जैसे हिंदू नाम उन दिनों किसी उर्दू कवि या गीतकार की तरह नहीं लगते थे, ये भी एक रीजन था। लेकिन उस दौर के कुछ मुस्लिम एक्टर्स इस मामले में भी भिन्न थे। उन्होंने उस दौर में फिल्म उद्योग में प्रचलित धार्मिक और सांस्कृतिक कंपल्शन के कारण अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रख लिया था। कई अभिनेताओं को लगा कि मुस्लिम नाम रखने से मुख्य रूप से हिंदू मेजॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मिलने वाली भूमिकाओं और एक्सेप्टेंस के अवसर कम होंगे।
अपना नाम बदलकर इन एक्टर्स का एम व्यापक दर्शकों से अपील करना और उद्योग में सफलता की संभावना को बढ़ाना था। ये प्रथा भारतीय फिल्म उद्योग के भीतर उस समय की ऐतिहासिक और सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती है। यही कारण था कि मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए और महजबीन बानो मीना कुमारी बन गई। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे मनोहर लाल खन्ना की, जिनके लिखे आज के गीत में हम ढूंढेंगे अध्यात्म। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौद्न्या उपाध्याय। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। और हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले ये बता दूं कि आज के गीतकार बॉलीवुड की मशहूर म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना के पिता थे, जिनके विषय में आपको और भी बताऊंगा आज की चर्चा के बाद। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम ले आए आपके लिए एक नया गीत। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। हमारा आज का गीत है अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये गीत फिल्म बादल से है, जो 1966 में रिलीज हुई थी, और इसके गीतकार है जावेद अनवर। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जरूर। खुद गरज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए, वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। इस गीत की पहली पंक्तियों से ऐसे लगता है जैसे कि यह गीत सैक्रिफाइस और सेल्फलेसनेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक खुदगर्ज दुनिया में कोई पराई आग में क्यों जलना चाहेगा? जिस दुनिया में लोग बस अपने स्वार्थ की पड़ी है, वहाँ कोई दूसरों के लिए क्यों कष्ट उठाना चाहेगा? बात आपने बिल्कुल सही की। गीत आरंभ होता है खुदगर्ज शब्द से, है ना, यानी कि स्वकेंद्रित, आत्म केंद्रित, अपना सोचने वाला, स्वार्थी, ऐसे व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं। और इस दुनिया में उस व्यक्ति को हम अपना कैसे कह सकेंगे? और इसीलिए जब ये बात हो जाती है कि इंसान कौन है, आदमी और इंसान में भी फर्क है। तो आदमी के पास सब कुछ है, मगर आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। यानी कि आदमी और आदमियत में फर्क है, और इसीलिए ये एक प्रोसेस है। आदमी तो वो सब हैं, जो सांस लेते हैं, जो दम लेता है, वो है आदमी। लेकिन इंसान वो है जो इंस धातु से बना है, उसका अर्थ है प्रेम, उसका अर्थ है उल्फत, उसका अर्थ है मोहब्बत। तो जो प्रेम करता है वो इंसान है। और इसलिए ये बात कही गई है कि इस दुनिया में सब तरफ ऐसा है, लेकिन अंततः जरूरत क्या है? आदमियत की, इंसानियत की, मानवीयत। और जो बात आपने कही है कि उसमें यह है कि बहुत सादे शब्दों में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि जो परहित के बारे में सोचे उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, और जो दूसरे को कष्ट दे उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और ये बात तो संस्कृत में व्यास ने बहुत ही पुराणों का और वेदों का सार कह दिया है कि जब वो ये कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसी को तुलसी ने दोहराया है अवधि की बोली में। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां।
नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तुझे दिल रमाने के लिए। नाकामियों से घबराकर क्यों अपनी आस खोते हो, मैं हम सफर हूँ तुम्हारा क्यों उदास होते हो, हंसते हो हंसाने के लिए। गीतकार यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? गीतकार इसमें साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि नाकामियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहा गया है ना कि ऑल गोज इफ करेज गोज। अगर आपका साहस चला गया तो फिर आपका सब कुछ चला गया, इसलिए नाकामियों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो उससे जब आप बाहर आ जाएंगे तब आप निश्चित रूप से उसको पा सकेंगे। इसीलिए ये बात कही है उन्होंने कि नाकामियों या असफलताओं से हमें नहीं घबराना है, आगे जाना है। और जो बात हम सफ़र की कही गई है, तो हम सफ़र आपका कौन बनता है? जो हम ख्याल होता है, हम ख्याल यानी जो आपके समान विचार रखता है, वो हम कदम बनता है यानी आपके साथ चलता है, वो हम जुबा बनता है यानी कि आपकी भाषा में भी वही बोलेगा जो आप बोलते हो। तो जब आपके साथ हम सफ़र है, हम ख्याल है, हम जुबा है, हम कदम है, तो जो इतना साथ आपके साथ में है फिर आप क्यों घबराते हो, ये बात कही गई है। सही है सुनील जी, और वो हम प्याला भी बनता है। प्याला की बात जरा खतरनाक है, आप ये कहिए कि वो हमने वाला भी बनता है, हम साज भी बनता है। तो जब आप हम साज और हमने वाला बनेंगे तो प्याले को भूल जाएंगे। थैंक यू सुनील जी, अब हम सुनते हैं आगे की लाइन। जी, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, आजाद फिक्र थे इंसान अंदाज क्यों गुना माना, सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तुझे दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। सुनील जी, इन आखिरी पंक्तियों में कैसी सीख छिपी है, कैसा अध्यात्म छिपा है, खासकर इन पंक्तियों में, आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना। संज्ञा जी, ऐसा है कि खुदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? खुदी का शाब्दिक अर्थ है स्वाभिमान, प्राइड या सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे आप कहो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप में वो बात होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये मौज नफस क्या है तलवार है, ये मौज नफस क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है। यानी आपको कब ये स्वाभिमान अभिमान में बदल जाएगा, कब आप घमंडी हो जाओगे, तो फिर आप ईश्वर की तरफ नहीं झुकोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने अहंकार अपने ईगो को छोड़कर फिर आपको अपनी बात करनी है। खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदा बने थे यागाना मगर बना न गया। तो खुदी का नशा इतना भी न चढ़ जाए कि आप खुदा बन जाएं, क्योंकि आप बन नहीं सकते, वो बात कही गई है। और जब आपने कहा कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति तो स्वतंत्र रहने की है, उसकी फितरत है वो आज़ादी, लेकिन शैली गुलामाना, गुलामों की तरह क्यों, तो यही सवाल है कि गुलामों की तरह रहने से कोई फायदा नहीं है। मुझे याद आ गया शिशुपाल सिंह निर्धन का एक बहुत अच्छा सा गीत था कि एक पुराने दुख ने पूछा क्या तुम अभी वहीं रहते हो, उत्तर दिया चले मत आना मैंने वो घर बदल दिया है। और उसके बाद जो सर झुकाने वाली बात आपने कही, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सांसों के आगे जीने की हटकर बैठा मन का योगी,
सांसों के आगे जीने की हटकर बैठा मन का योगी, एक पाप ने मुझे पुकारा मैंने केवल, एक पाप ने मुझे पुकारा मैंने केवल यही उचारा, जो झुक जाए तेरे आगे, जो झुक जाए तेरे आगे मैंने वो सर बदल दिया है। तो फितरत क्यों गुलामाना, सर झुकाने की क्या जरूरत है? और अगर सर झुकाने की जरूरत है तो एक स्थान है और वो है ईश्वर। सुनील जी, अभी जो आपने अहंकार की बात कही, ईगो की बात कही, तो मैंने भी एक जगह पढ़ा था ईगो का फुल फॉर्म होता है एजिंग गॉड आउट। तो वैसे ईगो बढ़ता है अगर हमने भगवान जी हाँ। और इस गीत की जहाँ से शुरुआत हो रही है वो वीर स्वामी का विचार था कि जियो और जीने दो जी।